सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग और गुड मॉर्निंग। और आज सुबह के बज रहे हैं 5:30 हो रहे हैं करीब, और मैं उठ के थोड़ा सा मैदान के साइड गया था टहलने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू बोल रहे हैं मोटा हो रहा है करके, तो थोड़ा सा चलना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैदान में राउंड मारने के लिए गया था। और अभी जा रहा हूँ रिटर्न घर, और घर जाने के लिए अभी निकल गया हूँ मैं रास्ते में, और रोड तो पूरा ख़राब हो ही चुका है हमारे गाँव का भी। और अभी जाता हूँ और जाके ब्रश वगैरह करके चाय नाश्ता करना है, और आज का दिन कैसा गुजरेगा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर, और घर आने के बाद ब्रश वगैरह कर लिया, और अभी चलते हैं किचन की ओर। किचन है, बीच में पानी गिरा तो यहाँ पे पूरा पानी भर गया था नीचे में, इस चक्कर में पास का पूरा सामान उधर लेके गए हैं, और मैडम जो ही रोटी बना रही है। रोटी खाना है आपको? हमारे ठीक है। उधर का जो इलेक्ट्रिक वाला था और गैस वगैरह था उसको यहाँ पे सेटअप कर लिए हैं, क्योंकि इधर अभी बनाने के लिए अच्छा बन रहा है। चावल आटा और थोड़ा सा खाना मिला के बनाते हैं, और ये ना छत्तीसगढ़ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना। अभी आप मैं दिखाती हूँ इसको बनाती कैसे। तो गाइस इधर मोठिया बन के रेडी हो रहा है जो बना रहे हैं रोटी, और अभी इधर बना रहे हैं, और मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ यहाँ तेल और चिल्ली था, और मिर्च को भी फ्राई कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि इधर उबल रहा था पानी, उसी पानी को डालेंगे गर्म पानी को। और ये ऐसा करते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ना ऐसा करने से बहुत ज़्यादा छिटकता भी है कभी कभी, जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, तो इस बात में आप जरूर ध्यान दें। ओके, तो धुआं एक बार तो गाइस क्या हो गया था कि जब हम लोग यहाँ पे पानी डाल रहे थे ना, तो एकदम इससे ज्यादा ही गर्म हो गया था, इससे ना बहुत ज्यादा वो फूटने लगा था, हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन उसके बाद फिर जल्दी करके और पानी डाले। गाइस हम लोग का नाश्ता इस प्रकार से रेडी हो गया है, और ये टमाटर चटनी पीसे हम लोग, अभी इसका टेस्ट लेंगे, बहुत जोरदार टेस्ट रहता है इसका, थोड़ा सा जल गया हल्का से, बट जितना अच्छा थोड़ा जल जाता है तो और अच्छा टेस्ट आता है। चलो ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस रूम बहुत दिनों से पुताई नहीं हुआ था, तो हम लोग सोचे कि चलो कर ही लेते हैं करके, और पूरा साफ किए हैं, पूरा ऊपर का जो था लकड़ी का वो सब निकाले हैं, और ऊपर में एक डिजाइन का कपड़ा डालेंगे, और मैं अभी कलर लेके लाया हूँ जो आपको दिख रहा है, ये कलर डालने वाले हैं, पहले ये कलर था थोड़ा सा स्काई ब्लू था, और अभी ये कलर डालने वाले हैं, अभी पेंटिंग करते हैं उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं अपना रूम एकदम फिनिश करके। तो गाइस मैं कुछ काम से कांकेर गया था, और कांकेर से आया कुछ तो बजाया था मैं पेंटिंग करने के लिए, तो छोड़ दिया, और आप लोग को दिखाता हूँ रूम अभी। अभी रात हो गया तो इस टाइप का दिख रहा है, और जो हम ये जगह छोड़े हैं, ये जो जगह छोड़े हैं मतलब यहाँ से इस किनारे से ये किनारे तक हम लोग वॉलपेपर डालने का सोचे हैं, और ये हमारा बेड है जो कि नया बेडशीट लाए मंगवाए थे तो उसी को डाले हैं, और इधर बचा हुआ है, और पूरा कचरा टाइप का सामान था अभी सब सजाना है, इधर भी पूरा कचरा टाइप का रख दिए हैं, अब इसको थोड़ा बचा हुआ था इसको पेंट किया हूँ, और ऊपर में ना एक डिजाइन एक कलर का डालेंगे करके सोचे हैं, कोई भी कपड़ा जिससे अच्छा लगे ऐसे टाइप का सोचे हैं, बट देखते हैं अब कौन सा आता है। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? और ये बैठी थी दुकान में दिन भर, और मैं ही किया हूँ, बहुत थक लग गया, नहाया था का मैं भी लगी थी क्या ये सब तो, और सबसे ज़्यादा कचरा ये फैलाती है, गौर से देखिए इसे, यही वो गर्ल है जो बहुत ज़्यादा कचरा फैलाती है, जहाँ देखो वहाँ कचरा फैला के रखी रहती है, अभी इसीलिए अभी झगड़ा हुआ हम लोग। चलो ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है, तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब कुछ डालेंगे हम लोग, सोचे हैं कहीं घूमने का, तो जाएंगे तो जरूर डालेंगे वीडियो, नेक्स्ट मंथ हमारा बर्थडे तो वो सरप्राइज रहेगा कुछ अलग। ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।